नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मीना राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जेलो के एग्जाम की, जेलो निकालना बहुत आसान है, बट इसकी जो स्टडी है वो स्मार्ट करनी पड़ेगी, पागलों की तरह नहीं करनी है। अब जेलो के इस पूरे के पूरे सिलेबस में एक सब्जेक्ट आता है आपके पास, प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग। वैसे प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग का जो है इसके अंदर 80% जो होता है वो CPC होती है, CPC ही होती है। पर अब CPC तो वैसे भी आप पूरा पढ़ोगे, फिर कैसे आप इसको मैनेज करोगे? तो जब आप 3 ईयर लॉ करते हैं तो फाइनल ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है हम लोगों का प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का। उसके लिए मार्केट में बुक आती है, मेरे पास वो बुक थी, उस बुक का जो कवर पेज मुझे आज भी याद है, पिंक और ब्लू मिक्स था। लेकिन अब हुआ क्या, वो कभी किसी को मैंने दे दी थी तो अब वो मेरे पास है नहीं, और जिसको दी तो वापस मेरे पास आई नहीं, तो उसका नाम भी मुझे पता नहीं। तो आप मार्केट में जाके बोलना कि सर मैं LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे प्लीडिंग ड्राफ्टिंग की बुक चाहिए। क्योंकि आप जेलो पॉइंट ऑफ व्यू से मांगेंगे पता नहीं आपको क्या उठा के दे देंगे। आपको जेलो के लिए मांगनी नहीं, आप तो यही मांगो कि मुझे प्लीडिंग ड्राफ्टिंग की फाइनल ईयर का स्टूडेंट मुझे चाहिए, तो वो बुक देंगे आपको या आपके कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। उसको वहां से इश्यू करा के फोटो कॉपी करा के वापस रख दो। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का जो 80% पोर्शन है उसका वो CPC है, ठीक है, 20% पोर्शन उसका अलग है। तो अब वो उसको पढ़ लोगे तो थोड़ा आप टेंशन फ्री हो जाओगे, बाकी इसका पेपर जो है लगभग CPC से मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने 2 साल के जो JLO के पेपर उठाओ, उसे प्लीडिंग ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस पढ़ लो, आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा, और उस बुक को ले आओ, वो बुक आपको मिल जाती है। उसके बाद जो भी गाइड में प्लीडिंग ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पढ़ने के बाद क्वेश्चन समय से याद रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाएंगे। तो ब्रीडिंग ड्राफ्टिंग के लिए बुक लेके आओ, कोई बैरेक नहीं आता है, और CPC को फोकस करो, और देन 20% जो है डिफरेंट वो आपको उस किताब में मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप जो क्या बोलते हैं 4th पेपर है इसका JLO का, जिसके अंदर आपके लिमिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, रीडिंग ड्राफ्टिंग है और एविडेंस है, इसमें आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखो पहला पेपर कौन सा है आप स्कोर कर लोगे, CIPC CPC भी कर लोगे, यहाँ आके थोड़ा सा डर लग रहा है, हिंदी इंग्लिश में भी कर लोगे, तो यहाँ आके जो डर लग रहा है उस डर को आप कैसे पार कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप उस बुक को लाके। आज के लिए धन्यवाद।